पहले बड़ी खबर है, यूक्रेन दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर 7 घंटे मौजूद रहने वाले हैं और अभी उन्होंने यहां पर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। बड़ी खबर इस वक्त यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई कई कार्यक्रम पीएम मोदी के यहां पर, और अब उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है और आज यहां पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद कई ऐसे समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है और साथ साथ दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा मजबूत हो। डिफेंस सेक्टर को लेकर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ आप यूक्रेन और रूस के बीच की स्थिति देख रहे हैं, किस तरह से हालात दोनों देशों के बीच बने हुए हैं, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में इसीलिए अहमियत हो जाता है, अहमियत रखता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस युद्ध की धरती पर बुद्ध का संदेश देने की कोशिश। और इसी के साथ ये 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है, प्रधानमंत्री जब कीव पहुंचे उस वक्त उनका किस तरह स्वागत किया गया वो आप देखिए, भारतीयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और बापू को नमन करते हुए तस्वीर भी हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखा रहे हैं, और अब वो ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर रहे हैं वो तस्वीर भी हम आपको इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखा रहे हैं। कुछ और घंटे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रहेंगे और ये माना जा रहा है कि भारत और यूक्रेन के रिश्ते इस मुलाकात के बाद और ज्यादा मजबूत होंगे। सबसे बड़ी बात, इस वक्त जो युद्ध की स्थिति रूस और यूक्रेन के बीच बनी हुई है उसमें शांति दूत के तौर पर प्रधानमंत्री अहम भूमिका निभाने वाले हैं।